वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप गैस्ट्राइटिस पेट की इस बीमारी की तशखीस कैसे की जाती है, कौन से टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है, कौन से तरीका इलाज है वो इख्तियार किए जाते हैं, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप चैनल पर मजीद वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल रोल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से ही आपको हमारे हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। रुपी की तरफ आते फ्रेंड्स, गैस्ट्राइटिस की कंडीशन को कैसे डायग्नोज किया जाता है, इसके लिए डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जाम करेंगे, जिस्मानी मुआयना करेंगे, आप में जाहिर होने वाली अलामत के बारे में पूछेंगे, आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी पूछेंगे कि क्या फैमिली में पहले किसी को ये बीमारी थी या नहीं। इसके अलावा डॉक्टर एच पिलोरी बैक्टीरिया को चेक करने के लिए ये टेस्ट करवाने के लिए कहेंगे। ये टेस्ट जो सांस का होगा, खून का होगा या फिर स्टूल यानी पोटी का टेस्ट करवाने के लिए कहेंगे। इसके अलावा मजीद ये टेस्ट करवाने के लिए भी कहा जाएगा। फर्स्ट है GI एंडोस्कोपी। ये टेस्ट जिस्म के इन तीन हिस्सों में होने वाली सूजन को चेक करने के लिए किया जाता है, वो ये होंगे। इंसान के पेट को चेक किया जाएगा, गजा की नाली को और ड्यूडेनम हिस्से को चेक किया जाएगा। इसके अलावा बायोप्सी के जरिए पेट की लाइनिंग का सैंपल लेंगे, फिर इसको एक पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के जरिए इस सैंपल को चेक करेगा कि इसमें कोई खराबी तो पैदा नहीं होगी है। नेक्स्ट टेस्ट करवाया जाता है वो है अपर GI सीरीज। इस टेस्ट में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी निजाम की नाली का एक्सरे किया जाता है। इस टेस्ट से पहले डॉक्टर एक लिक्विड जिसको बेरियम सोल्यूशन कहा जाता है वो पीने को देंगे। इस बेरियम सोल्यूशन की मदद से ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होने वाली खराबी को देखने में मदद मिलती है। नेक्स्ट ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट गैस्ट्राइटिस की अलामत को या गैस्ट्राइटिस की वजह से होने वाली जो पेचीदगियां होती हैं या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं यानी इसकी वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं उनकी अलामत को चेक करने के लिए ये टेस्ट है वो किया जाता है। नेक्स्ट है स्टूल सैंपल। स्टूल यानी पोटी का टेस्ट ये दो चीजों को चेक करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट है एच पेलोरी इन्फेक्शन। ये पोटी में जाहिर होने वाले खून को चेक करने के लिए ये किया जाता है। अगर स्टूल यानी पोटी में खून जाहिर होता है तो ये पेट में होने वाली ब्लीडिंग खून के बहाव को जो है वो जाहिर करता है। नेक्स्ट है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। इस टेस्ट में एच पेलोरी इन्फेक्शन इसको चेक किया जाता है। इस टेस्ट के दौरान एक यूरिया कैप्सूल खाने को दिया जाता है, फिर आपको सांस लेने के लिए कहा जाता है। इस सांस के दौरान जाहिर होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड एटम्स को देखा जाता है जो ये जाहिर करता है कि आपके अंदर इन्फेक्शन जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गैस्ट्राइटिस की क्या ट्रीटमेंट्स होती हैं, क्या तरीका इलाज में इख्तियार किया जाते हैं। गैस्ट्राइटिस के तरीका इलाज के अनुसार इस बात पर होता है कि गैस्ट्राइटिस की वजह कौन सी कंडीशन है। अगर आपको होने वाले गैस्ट्राइटिस की वजह आम घरों में खाई जाने वाली दर्द को कम करने वाली मेडिसिन है, अगर आप इनका इस्तेमाल छोड़ देंगे तो गैस्ट्राइटिस की अलामत जो है वो खत्म हो जाएंगी। और अगर ऐसी मेडिसिन वजह है जिनको आप किसी बीमारी की सूट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन के इस्तेमाल को बंद करने या इसकी मकदार को कम करने से पहले इन मेडिसिन के मुतालिक अपने डॉक्टर से जरूर बात करें और उनके मशवरे के मुताबिक की मेडिसिन की मकदार को कम करें या इनका इस्तेमाल बंद करें। अगर डॉक्टर को लगता है कि आपको होने वाले गैस्ट्राइटिस की वजह एच पिलोरी बैक्टीरिया है तो वो इसका इलाज एंटीबायोटिक से करेंगे। गैस्ट्राइटिस के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स के अलावा दूसरी कई और मेडिसिन भी इस्तेमाल की जाती है तो वो इसका इलाज एंटीबायोटिक से करेंगे। गैस्ट्राइटिस के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स के अलावा दूसरी कई और मेडिसिन भी इस्तेमाल की जाती है। फर्स्ट है पहली किस्म की मेडिसिन जो डॉक्टर मरीज को पेट में तेजाब पैदा करने वाली खुलियों को रोकने के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। अगर इन मेडिसिन को ज्यादा वक्त के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसके मनफी असरात भी इंसान में जाहिर होते हैं, वो ये हैं। इन मेडिसिन की वजह से हिप कोल्हों में रीढ़ की हड्डी और क्लाई पर फ्रैक्चर की वजह ये मेडिसिन बनती है। इसके अलावा इन अद्वियात की वजह से रेनल फेलियर हो सकता है यानी गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं, टमनीशिया की कंडीशन यानी याददाश्त जा सकती है इंसान की और जिस्म में गजाइत की कमी हो सकती है। इन तमाम बताई गई कंडीशन के पैदा होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए इन मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। नेक्स्ट मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है वो पेट में पैदा होने वाले एसिड को कम करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। नेक्स्ट है गैस्ट्राइटिस की वजह से होने वाले दर्द को कम करने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है, लेकिन इन अद्वियात के मनफी असरात की ये अलामत जो है मरीज के अंदर जाहिर होंगी। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो सकती है या फिर डायरिया पतली पोटियां जो है इसकी वजह से आ सकती है। अगर आप ये अलामत जाहिर हो तो अपने डॉक्टर से इस बारे में बात जरूर करें। मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह से जाहिर होने वाले जो सिम्टम्स है अलामत है इसके बारे में डॉक्टर को लाजमी बताएं। नेक्स्ट प्रोबायोटिक इस्तेमाल करवाई जाती है, इसकी मदद से निजाम और गैस्ट्रिक अल्सर का इलाज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग रहा तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर की बात सीखने को मिली है की बात को अच्छी लगी है प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।